पड़ेगा ना। हेलो बच्चों, मैं सरपतीश कुमार पांडे। मैं आज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ फिजिक्स क्लास 11th का, जो कि पहला चैप्टर है आपका। तो फिजिकल वर्ल्ड, जिसको हम बोलते हैं फिजिकल वर्ल्ड, फिजिकल वर्ल्ड में हम लोग जानने वाले हैं फिजिक्स क्या है, किससे अलग सब्जेक्ट का क्या रिलेशन है, इन सारी चीज़ों को हम लोग बिल्कुल अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ साइंस, साइंस क्या होता है। तो साइंस में आप देखिएगा, साइंस इज अ सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अटेम्प्ट टू एक्वायर नॉलेज अबाउट द सराउंडिंग थ्रू ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट एंड वेरिफिकेशन। तो आपको साइंस क्या होता है, साइंस एक ऑर्गेनाइज्ड अटेम्प्ट है, जिसके कारण क्या होता है, हम नॉलेज स्टडी करते हैं, किसी के बारे में नॉलेज करते हैं, जैसे साइंस के कारण ही हम अदर चीज़ों के बारे में नॉलेज करते हैं और ऑब्जर्व करते हैं। किस तरीके से नॉलेज करते हैं, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट और वेरिफिकेशन। देखो, आपको कोई भी चीज़ साइंस क्या होती है, प्रूव मांगती है, एक्सपेरिमेंट मांगती है कि क्या यह सही है क्या नहीं। तो जो उस तरीके से हम किसी के बारे में नॉलेज गेन करते हैं, वो मेरा होता है साइंस। अब हम साइंटिफिक मेथड्स की बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिनको मैं जिनसे मैं जानता हूँ कि कौन कौन से ऐसे मेथड हैं। तो यहाँ पे सेवरल इंटर रिलेटेड स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन साइंटिफिक मेथड। सम ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट स्टेप एज फॉलो। सबसे पहले है द सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन, रीजनिंग, मैथमेटिकल मॉडलिंग एंड थ्योरेटिकल। आपको ये चार चीज़ें आपको फिजिक्स में, इन्हीं सारे मेथड से हम लोग किसी चीज़ के बारे में जानेंगे। सबसे पहले सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन, पहले हम सारी चीज़ों को सिस्टम की तरह एक बार ऑब्जर्व करते जाएंगे, ये ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ। उसके बाद हम लोग रीजनिंग, अपना तर्क लगाएंगे, ये ऐसा नहीं ऐसा होता, ये ऐसा नहीं ऐसा। फिर तीसरा मैथमेटिकल मॉडलिंग, हम उसको एक, जैसे मान लीजिए कोई चीज़ मॉडलिंग मैथमेटिकल, मतलब हम उसको कैलकुलेट करेंगे, सॉल्व करेंगे। उसके बाद थ्योरेटिकल प्रिडिक्शन, उसके बाद एक थ्योरी दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं आपका फिजिकल वर्ल्ड में, जो कि साइंटिफिक मेथड से हैं। अब आगे बात करते हैं, फिजिक्स इज अ फंडामेंटल साइंस कंसर्न विद द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेचर फिनोमेना दैट अकर इन आवर यूनिवर्स। मतलब फिजिक्स एक ऐसा फंडामेंटल साइंस है, फंडामेंटल का मतलब कि आप उसके बाद कोई, मतलब जिससे सारे साइंस मिलकर फंडामेंटल चीज़ें वो होती हैं जिनसे और चीज़ें मिलकर बनी होती हैं। तो विद द अंडरस्टैंडिंग द नेचुरल फिनोमेना अकर आवर यूनिवर्स, जो हमारे नेचुरल फिनोमेना हमारे यूनिवर्स में होता है, उन सारी चीज़ों को, इट हैज़ मैनी ब्रांचेज सच एज मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, थ्योरम और थर्मोडायनामिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं। मतलब जिसमें हम लोग पढ़ते हैं, मैकेनिक्स पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट जिसमें इलेक्ट्रॉन और मैग्नेटिक फील्ड, इन सारी चीज़ों को स्टडी करेंगे, थर्मोडायनामिक्स जिसमें हीट, टेम्परेचर और एटमॉस्फेयर से रिलेटेड बातें करेंगे। बिटवीन 1600 से 1900 के बीच में ब्रॉड एरिया वर्ल्ड डेवलप टूगेदर क्लासिकल फिजिक्स, मतलब सारी चीज़ें जो पुरानी चीज़ें जो डेवलप हुई और टूगेदर एक साथ मिली, उसको क्लासिकल फिजिक्स बोले। देर आर थ्री एरिया ऑफ स्टडी ऑफ क्लासिकल फिजिक्स, तीन एरिया हैं, मैकेनिक्स, थर्मोडायनामिक्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ये तीन चीज़ें हैं एरिया जो कि हम स्टडी करेंगे क्लासिकल मैकेनिक्स में। अब 1905 में बिकेम अपेरेंट दैट क्लासिकल आइडिया फेल्ड, कुछ फिनोमिना की वजह से क्लासिकल आइडिया फेल हुआ, तो नया थ्योरी आया, वी आर डेवलप दैट कॉल्ड मॉडर्न फिजिक्स सच एज स्पेशल रिलेटिविटी, क्वांटम मैकेनिक्स। अगर ये पूछा जाए तो 1905 से मतलब बाद जो उनका फिनोमिना, जो क्लासिकल मैकेनिक्स का फिनोमेना जो फेल हुआ, उसकी जगह पर एक अलग से जो हमारा रूल आया, उसको हम लोगों ने बोला मॉडर्न फिजिक्स, जो कुछ स्पेशल रिलेटिविटी क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। अब इसका स्कोप क्या है, अब इसका स्कोप की बात करते हैं, स्कोप क्या है। तो स्कोप ऑफ फिजिक्स इज वेरी ब्रॉड एंड कवर्ड वाइड रेंज ऑफ मैग्नीट्यूड एंड फिजिकल क्वांटिटीज सच एज लेंथ, मास, टाइम, एनर्जी। मतलब हमारा ये जो फिजिक्स का स्कोप है, बहुत ब्रॉड है, जिसमें हम लोग लेंथ, मास, टाइम, एनर्जी, इन सारे चीज़ों को स्टडी करते हैं। तो इट आइडियल द माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड लाइक गैलेक्सी, यूनिवर्स एज वेल एज माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड। यहाँ पे देखेंगे कि गैलेक्सी, यूनिवर्स और माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड लाइक न्यूक्लियस, एटम, फंडामेंटल पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन सारी चीज़ों की हम लोग स्टडी करते हैं। स्कोप यही है कि स्कोप हमारा फिजिक्स का क्या होता है, जैसे कोई चीज़ की स्कोप क्या है, तो वहाँ पे देखते हैं कि एक ब्रॉड बहुत सारी एरिया को कवर करता है फिजिक्स से भी, मतलब हर जगह पे यूज आता है, बायोलॉजी और आपका केमिस्ट्री और उसके बाद प्लस में साइंस और फिजिक्स में तो है ही इसका रोल। तो इसमें हम आगे बात करेंगे फिजिक्स इन रिलेशन टू अदर साइंस। अब यहाँ मेन चीज़ें ये इंपॉर्टेंट है आपका, तो फिजिक्स इज वेरी सिग्निफिकेंट ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच प्ले क्रूशियल रोल अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेवलपमेंट,
pertaining other branches of science such as chemistry, biology, etc. अब physics relation mathematics से बात करेंगे, mathematics से physics का क्या relation है? तो study of physics variation led to the idea of differentiation, integration, different equation, meaning and interpretation. Mathematics become physics. अब physics का relation to chemistry. अब physics का जो relation है chemistry से कैसे हुआ? तो concept of X-ray diffraction and radioactivity has helped to distinguish between various solid and modified. तो देखो यहाँ पे देखते हैं कि physics relation to chemistry. अब यहाँ से physics में हम लोगों ने यहाँ पे physics relation to mathematics में क्या देखा कि variable led to the idea of diffraction, integration, differentiation, ये सारी मैथमेटिक्स से रिलेटेड है. दूसरी आपको देखा कि केमिस्ट्री में एक्सरे डिफ्रैक्शन और वेरियस सॉलिड मॉडिफाई पीरियोडिक टेबल इन सारी चीज़ों में हम लोगों को फिजिक्स की जरूरत पड़ी. और फिजिक्स इज अ रिलेशन एस्ट्रोनॉमी, तो आपने देखा ऑप्टिकल टेलीस्कोप ये सारी चीज़ें लेंसेज ये सारी चीज़ें कहाँ से आती हैं, फिजिक्स के अकॉर्डिंग हम लोग स्टडी करते हैं. तो अब यहाँ पे आगे होता है फिजिक्स इन रिलेशन टू बायोलॉजी. फिजिक्स और बायोलॉजी का तो आप लोग बीपी मशीन देखे होंगे, ये सारी चीज़ें कहाँ किस पे किस टेक्नोलॉजी फिजिक्स के कारण ही हैं. एक्सरे भी आपको बायोलॉजी में मतलब बायो में यूज किया जाता है, मेडिकल साइंस में तो उसमें सारी चीज़ें में यूज होता है. उसके बाद फिर फिजिक्स इन रिलेशन टू मेट्रोलॉजी, तो डिस्कवरीज रिगार्डिंग टू स्टडी ऑफ प्रेशर वेरिएशन हेल्प टू फॉरकास्ट वेदर, इन सारी चीज़ों का यूज होता है मेट्रोलॉजी में, इन सारे में यूज होता है. तो आगे बात करेंगे फिजिक्स रिलेशन टू टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी. तो एडवांसमेंट इन फिजिक्स हैज लेड टू न्यू टेक्नोलॉजी एंड वाइस वर्सा, सम टाइम टेक्नोलॉजी गिव राइज टू न्यू डायमेंशन ऑफ फिजिक्स. देखते हैं कि जैसे एडवांसमेंट इन फिजिक्स लेड बाई न्यू टेक्नोलॉजी, जैसे कि हम लोग डेली बाई डेली न्यू टेक्नोलॉजी की तरफ इंक्रीज हो रहे हैं और उसके साथ साथ हम लोग नया डायमेंशन इंक्रीज कर रहे हैं. तो इनफैक्ट टेक्नोलॉजी डेवलप इज क्लोजली रिलेटेड टू अप्लीकेशन ऑफ साइंस, मे बी एक अप्लीकेशन ऑफ साइंस है. फिजिक्स हैज डोमिनेंट इन्फ्लुएंस ऑन सोसाइटी, इट हैज हेल्प टू ह्यूमन बींग्स टू डेवलप इट्स आइडिया. ये ह्यूमन बींग्स को उनकी आइडिया को डेवलपमेंट करने में काफ़ी मददगार करता है. एंड डेवलपमेंट ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम, मतलब जो कम्युनिकेशन सिस्टम उसको भी अच्छा से, और मेकिंग ब्लड लेस सर्जरीज, ये सारी चीज़ों में आज हम लोग क्या करते हैं कि लेजर ऑपरेशन कराते हैं कि ब्लड लेस, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं. तो ये सारी चीज़ें किसके कारण हैं, कहीं ना कहीं आपका फिजिक्स के कारण ही ये सारी चीज़ें हो पा रही हैं. आगे हम बात करेंगे कि देयर आर फोर फंडामेंटल ऑफ नेचर ऑफ द गवर्न डाइवर्स फिनोमना, माइक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक. एक माइक्रो मतलब आप समझते हैं जो छोटे लेवल पर काम होता है तो माइक्रो होता है, और माइक्रो का मतलब होता है जब बड़े स्टैंडर्ड पर काम होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं. तो दीज आर द ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स. दिस इज बेसिक क्वेस्ट ऑफ फिजिक्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड वीक न्यूक्लियर. यहाँ पे ये देख लीजिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वीक न्यूक्लियर फोर्स हैव नाउ बीन यूनिफाइड एंड सीन एज एस्पेक्ट ऑफ सिंगल इलेक्ट्रो वीक फोर्स, अटेम्प्ट आर बीइंग मेड अप यूनिफाइड इलेक्ट्रो वीक एंड स्ट्रॉन्ग फोर्स. क्या होता है कि जब क्या होता है यहाँ पे इलेक्ट्रो वीक फोर्स अटेम्प्ट बीइंग मेड टू यूनिफाइड इलेक्ट्रो वीक एंड स्ट्रॉन्ग फोर्स, क्या होता है कि जो वीक और स्ट्रॉन्ग को एक साथ मिला देते हैं तो लगभग एवरेज सारा बराबर हो जाता है. कंजर्वेशन एनर्जी क्या होती है आप लोग देखोगे तो इसमें मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम और चार्ज और फंडामेंटल लॉ ऑफ फिजिक्स, ये सारी चीज़ों की हम लोग स्टडी करने वाले हैं. तो कंजर्वेशन लॉ ऑफ हैव बीन कनेक्टेड टू सिमेट्रिक नेचर, सिमेट्रिक स्पेस एंड टाइम, एंड टाइम ऑफ सिमेट्रीज प्ले सेंट्रल रोल इन मॉडर्न थ्योरी एंड फंडामेंटल फोर्स नेचर. जो एनर्जी है ये सारी चीज़ें फोर्स से रिलेटेड किसी भी चीज़ में एक सेंट्रल रोल प्ले करती हैं, मतलब सारी चीज़ों में ये इन्वॉल्व होती हैं कहीं ना कहीं. अब आगे बात करते हैं इम्पॉर्टेंट टेबल की. इम्पॉर्टेंट टेबल में सम फिजिक्स डिफरेंट कंट्रीज आर वर्ल्ड आर देयर मेजर कंट्रीब्यूशन. अब यहाँ देखेंगे क्या कंट्रीब्यूशन है, तो यहाँ पे ये देख लेते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. इसमें देखेंगे अलग अलग चीज़ों को किसने क्या किया. तो यहाँ पे देखेंगे अहिनियस अहदास कुछ सलाम जो है यूनिफिकेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन की यूज करते हैं, ठीक है. और यहाँ पे अल्बर्ट आइंस्टीन जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ये
कहाँ के होते हैं, जर्मनी के। आप अर्थ आर्कमिडीज देखेंगे तो प्रिंसिपल ऑफ बायोन्सी पानी वाला, जो बायोन्सी वाला आप पता है कि पानी फोर्स लगाता है। प्रिंसिपल ऑफ लीवर, लीवर आप लोग को पता है मासिन का अकॉर्डिंग आता है। और ये हम लोग के कहाँ के थे, ग्रीस के थे, सी एच टोनर टाउन्स जो थे। और ये मास्टर एंड लेजर, मेजर मेजर और लेजर दोनों के वो थे, और ये यूएसए से हैं। और क्रिश्चियन हाइगेंस जो थे, वेव थ्योरी इन्होंने दिया, अपने हाइगेंस वेव थ्योरी पढ़ा होगा, ये हॉलैंड के थे। तो यहाँ ध्यान में हाइगेंस हॉलैंड ये था। और सी वी रमन जो थे, इन इलास्टिक स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय मॉलिक्यूल्स, ये इंडिया के ही थे। और एडविन हबल जो थे, एक्सपेरिमेंट यूनिवर्स का किया, इन्होंने ये भी यूएसए से थे। और इनरिको फर्मी जो थे, कंट्रोल न्यूक्लियर फिजन, इन्होंने ये इटली से थे। और फर्मी एक यूनिट होती है जो कि आपका एटॉमिक रेडियस वगैरह, जो भी एटॉमिक न्यूक्लियस की जो रेडियस नापी जाती है, मेजर की जाती है, वो फर्मी में ही नापी जाती है। एंस और नेलडो जो थे, लॉरेंस जो थे, इन्होंने साइक्लोट्रोन की खोज की थी। और गैलीलियो गैलीली लॉ ऑफ इनर्शिया की खोज की थी। और हेनरिच रूडोल्फ हर्ट्ज जो थे, इन्होंने क्या किया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डिस्कवरी की थी। अब यहाँ पे होमी जहांगीर भाभा जो कि कैस्केड प्रोसेस एंड कॉस्मिक रेडिएशन से थे। और आइजैक न्यूटन जो थे, इन्वर्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, मोशन एंड रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, ये सारी चीज़ें थे। और ये के कहाँ थे, यूके के थे। दोस्तों आगे बात करते हैं, क्या है, माइकल फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को देते हैं। और जेम्स क्लर्क मैक्सवेल, ये इन्होंने क्या दिया था, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी एंड लाइट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और तीसरा हेनरिच रूडोल्फ हर्ट्ज जो थे, इन्होंने जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को बताया था। आगे बात है जेसी बोस अल्ट्रा शॉर्ट रेडियो वेव के बारे में बताए थे। और डब्ल्यू के राजन जो थे, एक्सरे के बारे में बोले थे। और जे जे थॉम्सन इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी की थी। आगे मैरी स्कोल्डवा क्यूरी जो थे, इन्होंने डिस्कवरी ऑफ रेडियम एंड प्लूटोनियम स्टडी की थी। और नेचर ऑफ रेडियोएक्टिविटी दी थी। फिर अल्बर्ट आइंस्टीन जो थे, एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बताई थी। अब यह सारी चीज़ों को हम लोग बिल्कुल पढ़ने वाले हैं, और क्लास 11th और 12th के मिला के ही बिल्कुल दोनों पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ों की हमारी एक स्टडी है कि क्या क्या किसने दिया था, थोड़ा सा हमारा जानना जरूरी है। तो अल्बर्ट आइंस्टीन का हो गया, विक्टर फ्रांसिस का देखा, कॉस्मिक रेडिएशन के बारे में इन्होंने बताया, और आर्य मिल्कन बारे में बताया, तो मीजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में इन्होंने बताया, और अंस रदरफोर्ड ने न्यूक्लियर एंड मॉडल ऑफ एटम के बारे में बताया, नील्स बोर ने क्वांटम मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम को दिया, और सी वी रमन ने इन इलास्टिक स्कैटरिंग ऑफ लाइट मॉलिक्यूल्स के बारे में बोला। अब लुइस विक्टर जो डी ब्रॉगली थे, वेव नेचर ऑफ मैटर के बारे में बोले। एम एन साहा जो थे, थर्मल आयनाइजेशन के बारे में। और एस एन बोस आपका क्वांटम स्टैटिक्स एंड इंक्लूजन प्रिंसिपल, जो कि एक इंडिया के थे, और ये एम एन साहा भी आपके इंडिया के ही थे। तो ये सारी चीज़ों को हमने देखा। अब उसके बाद हम लोग मेन चीज़ें देखने वाले हैं यहाँ पे, जो आपके एन सी आर टी के बुक से ही है सारी चीज़ें ये। तो यहाँ पे भी वही चीज़ जो हमने ऊपर देखी, कुछ सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं, और इस चीज़ को हम लोग बिल्कुल अच्छे से स्टडी करने वाले हैं क्लास 11th और 12th में। तो इन चीज़ों को, जैसे क्या होता है, बीटा डीके होता है हेडी, और अल्फा बीटा, ये सारी चीज़ें। और ये अल्फा होता है हीलियम के न्यूक्लियर दो, ये अल्फा पार्टिकल हैं, क्योंकि हीलियम क्या होता है, अल्फा पार्टिकल, और एक होता है बीटा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल जब किसी चीज़ से निकलता है तो इलेक्ट्रॉन में, मतलब इसको एटॉमिक नंबर में दो की कमी हो जाती है, इलेक्ट्रॉनिक मास, और मास में क्या होता है, हो जाती है चार की कमी हो जाती है। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग ने पूरा इसको सारी चीज़ें की, और इस पर हम लोगों ने काफ़ी अच्छा सारी चीज़ें समझ। और आई होप कि इसमें आपकी थ्योरी ही है, इसमें आपका कोई न्यूमेरिकल्स नहीं है। आप यहाँ पे जो मैंने आपको बताया, ये सारी चीज़ें आपने अच्छे से सुन लिया। अब हम लोग एक बार और फाइनल आपको रिवाइज करा देते हैं क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा, तो उसको देख लेते हैं। तो बच्चों हम लोगों ने पढ़ा साइंस, साइंटिफिक मेथड कितने, चार मेथड मैंने आपको बताया था। फिजिक्स क्या है, फिजिक्स के रिगार्डिंग किसको, फिर क्लासिकल फिजिक्स के बारे में मैंने बात किया था, जिसमें मैंने बताया था कि क्लासिकल फिजिक्स मतलब जो पुराने वो थे, और तीन पॉइंट बताए थे, और न्यू थ्योरी जिसको स्पेशल रिलेटिविटी, क्वांटम मैकेनिक्स, ये सारी चीज़ों पर। स्कोप क्या है मैंने बताया, फिजिक्स से रिलेशन साइंस का क्या ये बताया, मैथमेटिक्स से क्या है, केमिस्ट्री से क्या है, और एस्ट्रोनॉमी से क्या है, ये सारी चीज़ें हमने देखा। फिर फिजिकल रिलेशन बायोलॉजी से इसका क्या रिलेशन है, प्रेशर रिलेशन टू मेट्रोलॉजी, और फिजिक्स रिलेशन सोसाइटी से हमारे क्या है, और इम्पॉर्टेंट टेबल्स, ये सारी चीज़ों की हमने बात की आपसे। अब यहाँ पे हम लोग देखें कि यहाँ पे इवन
जैसे कि यहाँ पे किसने किस चीज़ की थ्योरी दी, ये सारी चीज़ें हमने देखा। फिर माइकल फैराडे के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, और माइकल फैराडे और जेम्स मैक्सवेल कौन सी किसने ये बताया था, जैसे डब्ल्यू के रंजन एक्सरे की डिस्कवरी की जर्मनी के थे, ये सारी चीज़ें हमने बताया। अब उसके बाद आपको ये सारी चीज़ें एनसीईआरटी में भी किया, और बिल्कुल ये सारे नोट्स हमारे जो बेस्ड ऑन एनसीईआरटी ही हैं। तो बच्चों इसको लाइन बाय लाइन पढ़ के आप छोटा सा एक नोट्स अपना बना लीजिएगा, जिससे आपको ये पूरा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और आपको फिजिकल वर्ल्ड वर्ल्ड रिलेटेड, क्योंकि पहला चैप्टर है तो हम लोग बहुत उसके लिए एक्साइटेड होते हैं कि पहला चैप्टर है, और जब हमें कुछ अच्छे से उसमें समझ नहीं आता तो हम बहुत डिमोटिवेट होते हैं। बट इससे कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है। फिजिकल वर्ड से एक या दो क्वेश्चन आ सकते हैं, वो भी एक एक या दो दो नंबर के आएंगे, जिसको आपको करना होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ और नए एक चैप्टर के साथ। तो हो सके चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।